दोस्तों नमस्कार, ये वीडियो टिहरी गढ़वाल के उप्पू गांव की है, जहां पर सड़क के किनारे से एक जेसीबी खाई में जा गिरी है और जेसीबी को निकालने के लिए हाइड्रो पावर क्रेन बुलाई गई। सड़क के जस्ट किनारे से जेसीबी नीचे जाकर के गिरी। जेसीबी कहां पर है इसका कोई अनुमान नहीं था और इस क्रेन के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। जेसीबी की तलाश में कुछ लोग नीचे गए हैं और देखेंगे जेसीबी कहाँ पर है और किस प्रकार से इसे निकाला जाता है। यहाँ नहीं चल पाएगी मशीन, मतलब ही नहीं चलाएंगे रोड। तभी तो बारिश लगी हुई थी, बारिश का मौसम था और इस मौसम में इस प्रकार से इस कार्य को करना काफी कठिन था, फिर भी इस कार्य को किया गया। और सामने आप देख सकते हैं कि जेसीबी नजर आ रही है। जेसीबी को ऊपर निकालने के लिए अब वो तमाम प्रयास किए जाएंगे जिसके माध्यम से जेसीबी को जल्दी से जल्दी ऊपर सड़क पर निकाला जाएगा। ये देखिएगा दोस्तों जेसीबी किस प्रकार से फंसी हुई है और इस खाई में गिरी हुई है। ऊपर से नीचे तक का ये दृश्य आप देख सकते हैं और किस प्रकार से ऊपर सड़क पर क्रेन तैनात है जेसीबी को ऊपर खींचने के लिए, लेकिन उसकी भी तैयारी चल रही है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ ये कार्य किया जाएगा क्योंकि काफ़ी फिसलन है, बारिश भी हो रही है, तो इस तमाम चुनौतियों के बीच में इस कार्य को किया जा रहा है। और आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि लगातार जेसीबी को ऊपर निकालने का ये प्रयास जारी है। ये देखिएगा क्रेन से नीचे वायर रोप पहुंच चुका है और इस वायर रोप के हुक पे अब जेसीबी का अगला जो भाग है, जो बॉकेट वाला भाग है, उसको फंसाया जा रहा है और अब इसे ऊपर खींचा जाएगा। जेसीबी काफ़ी आड़ी तिरछी फंसी हुई है, इसलिए इसके पार्ट्स को अलग अलग किया जा रहा है। इंजीनियर को यहाँ पे बुलाया गया है और लगातार जेसीबी के पार्ट्स को अलग अलग कर रहे हैं और अलग अलग पार्ट्सों को ऊपर खींचा जाएगा। तो देखते रहिएगा किस प्रकार से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और किस प्रकार से जेसीबी को इस खाई से सड़क तक पहुँचाया जाता है। देखिएगा जेसीबी के आगे वाले भाग को अब ऊपर खींचा जा रहा है, इसे जेसीबी से अलग कर दिया गया है और एक एक पार्ट करके इसे ऊपर पहुंचाया जाएगा। जेसीबी के बॉकेट वाले भाग को ऊपर खींचा जा चुका है और अब बारी है अगले पार्ट्स को अलग करने की। तो देखिएगा किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। इधर ना पाएगी, पीछे को आता जाएगी, खींचोगे तो दिक्कत रहेगी। अड़ा हुआ है, अगर यहाँ लग जाएगा इधर। पार्ट्स को खोलने के लिए जेसीबी के नट बोल्ट को अलग किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी इस पार्ट्स को खोल दिया जाएगा। और मेन चुनौती होगी जेसीबी के मुख्य भाग को ऊपर पहुंचाने का, जिसमें इंजन है और बहुत हैवी वजन है जिसका। बारिश में इस कार्य को करना इतना आसान नहीं है और लगातार ये वर्कर यहाँ पे लगे हुए हैं अपने कार्यों में और बहुत जल्द ये जेसीबी को सड़क तक पहुंचा देंगे जिस प्रकार से ये कार्य कर रही हैं।
जेसीबी के अगले पार्ट्स को भी अलग कर दिया गया है, ये देख सकते हैं आप। और अब इन्हें अलग अलग करके ऊपर खींचा जाएगा। मूसलाधार बारिश लगी हुई है और इसके बावजूद इस कार्य को यहाँ पे बहुत ही निपुणता के साथ किया जा रहा है और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ये तमाम लोग। इस सड़क की तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये हाइड्रो पावर क्रेन तैनात हो रखी है। अब कुछ ही मिनटों में जेसीबी को ऊपर खींचने का कार्य शुरू हो जाएगा और यहाँ पर तमाम जो तैयारियाँ वो पूरी हो चुकी है। वायर रोप जेसीबी तक पहुँच चुका है, वायर रोप के हुक पर जेसीबी को लटका दिया गया है और अब ऊपर खींचने की बारी है। भाई सपोर्ट करे नहीं करे टायर? कर रहे हैं, कर रहे कहा फटाए इससे काय उतरे थे वहाँ से हट जाओ भाई, वहाँ से हट जाओ हे प्रभु, निकल जाओ भाई, मेहनत है सर जाए पर दिक्कत ना। खींचो खींचो खींचो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, चल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जेसीबी सड़क तक पहुंच चुकी है और अब इसे सीधे करने का कार्य यहां पे किया जा रहा है और यकीनन बहुत नुकसान हुआ इस जेसीबी को। आप देख सकते हैं किस प्रकार से टूट फूट हुई है, पार्ट्स को अलग अलग करना पड़ा और अब जाकर के जेसीबी सड़क पर पहुंच चुकी है और इसे सीधा करने का अब प्रयास किया जा रहा है। तो देखिएगा लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं ये तमाम लोग और जिनके जेसीबी है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो जेसीबी को सड़क पर निकाल दिया गया है और यहां से अब इसे आगे पहुंचाया जाएगा, इसको रिपेयर किया जाएगा, दोबारा से इसको सर्विस सेंटर पहुंचाया जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी किस प्रकार से इस जेसीबी को रेस्क्यू किया गया है और किस प्रकार से पहाड़ों में इस प्रकार की घटनाएँ घटित हो जाती हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचारों को हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। दोस्तों जब कभी भी आप पहाड़ों में आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की ड्राइविंग है, सावधानी से चलिएगा, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। और जीवन की सुरक्षा, जीवन की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जान है तो जहान है। वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपका धन्यवाद, नमस्कार।